जोनल हॉस्पिटल मंडी में महिला मरीजों के साथ आए उनके पतियों ने नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर यह लोग हॉस्पिटल के एमएस के पास भी गए, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई और एमएस के चपरासी ने इन्हें धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। शिकायतकर्ता संजीव कुमार और राजकुमार ने बताया कि उनकी पत्नियां फीमेल मेडिकल वार्ड में दाखिल है। बीते कुछ दिनों से वह अपनी पत्नियों के साथ रहकर उनकी देखभाल कर रहे थे। बीती रात नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने वार्ड में सो रहे संजीव कुमार को पैर से लात मारकर जगाया और वार्ड से बाहर कर दिया। वहीं वार्ड में मौजूद अन्य पुरुष अटेंडेंट भी बाहर कर दिए गए। रात भर इन्हें फिर वार्ड में नहीं जाने दिया गया और महिला मरीज बिना किसी अटेंडेंट से तड़पती रही। दोपहर को करीब आधा दर्जन लोग अपनी शिकायत लेकर एमएस के पास गए। एमएस के चपरासी ने पहले एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया और बाकी को बाहर ही रोक दिया, लेकिन जो व्यक्ति एमएस के पास गया उसकी शिकायत भी नहीं सुनी गई। संजीव कुमार ने बताया कि एमएस ने इनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया और चपरासी ने उन्हें धक्के मारकर कमरे से बाहर कर दिया। रात को मैं सो रहा था अपने, रात को उन्होंने उठाया मेरे को पांव उठा के डॉक्टर राजन ने, ठीक है। फिर मैंने शिकायत की अपने अंदर आया अपने सीएमओ के कमरे में, एमएस के कमरे में आया सर और गए अंदर और उनके पीएन ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब एमएस ने भी बोला ऐसा भाई हम नहीं लेंगे ऐसी रिपोर्ट भाई, हम सत्य भाई चलो हमारे शासन ऐसा हो भाई, आग्रह के साथ ऐसा ना हो। रात को 12 बजे कौन निकालता है सर? मंडी में 64 नंबर के ऊपर मेरे बेड के ऊपर मरीज था और मतलब मैं रात को जैसे डॉक्टर पास गए, मेरे मिस्ट्री को मतलब 104 बुखार था और सुबह से जो है तो मतलब डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने बोला लेडीज लाओ जब देखूँ मैं आपका मरीज, जैसे मैं आपका मरीज नहीं देखूँगा नहीं। और जो है तो मतलब मैं एक लड़की को उठाया, साथ में लड़की थी, जब उसको भेजा जब मेरे उसने देखा पट्टी में उसके सिर के ऊपर रख रहा था बुखार, 129 में बुखार चढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर कर रहे हैं तो मतलब मरीज तो मेरे बिस्त है नहीं भी बस था, मतलब करे ना मतलब डॉक्टर जो है तो अच्छे ढंग से मतलब पेशेंट से अच्छे ढंग से मतलब पेश कर आए ना, बदतमीजी से तो नहीं आए, नहीं ये हमारा कहना है और ये हमारा मांग है। वहीं जब इस बारे में जनरल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर के एस मल्होत्रा की बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले उन्होंने 4 बजे कमरे पर बोलने के लिए मीडिया कर्मी को बुलाया, लेकिन बाद में यह कहकर कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया कि उन्होंने अपना दांत निकलवाया है जिस कारण वो नहीं बोल सकते। इससे पहले उन्होंने बताया कि महिला वार्ड में रात को पुरुष अटेंडेंट के रुकने पर पाबंदी है, लेकिन इससे संबंधित कोई बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। लेकिन महिला वार्डों के लिए परिजनों को रात के लिए महिला अटेंडेंट लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिकायत वाजिब नहीं लगी इसलिए उसे नहीं दिया गया। एमएस साहब के बयान से स्पष्ट है कि अस्पताल एक तरफा यदि किसी बात पर पाबंदी लगाता है तो उसकी कितनी सही जानकारी यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मिल पाती है। डॉक्टर के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है तो शायद एमएस साहब कोई ठोस कदम उठाते, लेकिन यहां दुर्व्यवहार एक साधारण व्यक्ति के साथ हुआ है इसलिए इस बात को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी।